शासकीय सीएम राइज मनुबेन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कलेक्टर प्रवीण ने एक मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र सीहोर में 5 और जिले में 57 केंद्रों का शुभारंभ हुआ है। और इस अवसर पर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने छात्राओं से कहा कि सफलता की पहली सीढ़ी अनुशासन है, पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने कहा कि सफलता पाने के लिए कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है और शॉर्टकट ना होने के कारण से आपको कठिन परिश्रम करना होगा, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र की 10वीं 12वीं की छात्राओं से संवाद किया और उन्होंने बताया कि इस अध्ययन केंद्रों का समय सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक रहेगा। इसके साथ ही छात्रों की माह में 2 दिन काउंसलिंग की जाएगी ताकि वे परीक्षा के लिए बेहतर ढंग से तैयारी कर सकें। इस अवसर पर पार्षद, जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य सहित सभी शिक्षक मौजूद रहे। जिले में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो है वो आने वाली है और 2 साल में जो है कोविड में काफ़ी नुकसान बच्चों का हुआ है, तो बच्चों की जो टेस्ट देने की आदतें हैं, बच्चों को अच्छे से तैयारी करानी है, उन सब चीज़ों को फोकस करने के लिए हमने गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स से अनुरोध किया है कि वो लोग जो है एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे। 10वीं और 12वीं जो एग्ज़ाम होने वाले बोर्ड के, उसके हिसाब से पूरी उनकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। पुराने जो सिलेबस है और पुराने जो पेपर्स हैं उनके आधार पर उनकी जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि सारे बच्चे जो है इस बार अच्छे मार्क्स से या तो पास हो और जिले का जो 10वीं और 12वीं रिजल्ट है अच्छा रहे। तो इसलिए पूरे ज़िले में जो है मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र खोले जा रहे हैं और बताते हुए हर्ष का विषय है कि सभी टीचर्स इसमें जो है बहुत ही मोटिवेशन के साथ में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से 10वीं और 12वीं के जो हमारा रिजल्ट है सीओ जिले का वो इस बार बढ़िया रहेगा।